हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन रेलवे बाय परविंद में। आज आपको हम पूरा दिखाने वाले प्रतापगढ़ जंक्शन से जंघई तक दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय देखिए प्रतापगढ़ जंक्शन पे 2 और 3 नंबर पे कोच डिस्प्ले लगाने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए इससे हम लोग प्रतापगढ़ जंक्शन से डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए इस समय आगे काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। एक लाइन से गिट्टी डाला जा रहा है और आगे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है। अभी आपको हम दिखाते हैं। पृथ्वीगंज के पास 60 kg के स्लीपर बिछाना चालू हो गए हैं। काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, अभी आपको हम दिखाते हैं। आप लोग ने जंघई जंक्शन नहीं देखा होगा तो लिंक मिल जाएगा, आप लोग जंघई जंक्शन ज़रूर देखें। आप लोग बताइए जंघई से हम प्रयागराज दोहरीकरण का वीडियो बनाए कि ना बनाए। पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन, प्रतापगढ़ से जंघई तक फिर उसके बाद दौड़ेगी। पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन, फिर जंघई से प्रतापगढ़। देखिए आपको पूरा हम जंघई तक वीडियो दिखाने वाले हैं। छोटे बड़े रेलवे स्टेशन सभी आपको हम दिखाएंगे। पैसेंजर गाड़ी से हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए एक लाइन से गिट्टी डाल दिए हैं। देखिए खंभे के लिए पोल भी बना दिए हैं। अभी आपको दिखा दें, आगे गिट्टी भी डाला जा रहा है और स्लीपर भी बिछाया जा रहा है एक लाइन से। हम लोग कुछ ही देर में पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। फिर इसके बाद दादूपुर, माँ बराही देवी धाम, गौरा, फिर इसके बाद सुवंसा, बादशाहपुर, निभापुर, जंघई आपको हम सभी दिखाते हैं। सभी प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन के वीडियो अपलोड है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब भी हम आपको दिखाएंगे सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशन, आपको लिंक भी मिल जाएगा, तब भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। पृथ्वीगंज, दादूपुर, माँ बराही देवी, गौरा, सुवंसा, निभापुर, जंघई सभी रेलवे स्टेशन के वीडियो अपलोड है चैनल पर, आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए बकलाही पुल जैसे क्रॉस करते हैं, एक लाइन से खंभे लगाए जा रहे हैं। देखिए हम लोग पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हैं। देखिए यहाँ पे लाइन की तैयारी चल रही है। इस समय आपको हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखा रहे हैं। देखिए बिल्डिंग बन के तैयार हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। देखिए आपको हम 2 और 3 नंबर भी दिखाते हैं। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। आने वाले समय में पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन भी अच्छे से चमक जाएगा दोहरीकरण की वजह से। देखिए यहाँ पे पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से जंघई तक जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सभी पे पुल का निर्माण किया जा रहा है। देखिए 500 मीटर काम बचा हुआ है, यानी पूरा। देखिए एक लाइन से पत्थर भी लग गए, बीच में मिट्टी भी पड़ चुके हैं। देखिए इस समय काम काफ़ी जोरों तोरों से हो रहा है। देखिए हम लोग डिपार्चर ले लिए हैं पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन से, खंभे लगाए जा रहे हैं। देखिए डबल लाइन पे दौड़ेगी ट्रेन बहुत जल्द ही। प्रतापगढ़ से जंघई तक नवंबर तक काम फाइनल हो जाएगा। पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पे दौड़ेगी ट्रेन। जैसे हम लोग पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन से डिपार्चर लेते हैं, देखिए एक लाइन से यहाँ पर स्लीपर बिछाए जा रहे हैं और गिट्टी भी डाला जा रहा है। देखिए JCB की मदद से गिट्टी बिछा दिए हैं और 60 kg के स्लीपर भी बिछाए जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अब देखिए प्रतापगढ़ से जंघई तक भी काम काफ़ी तेज़ी से चालू हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जल्द से जल्द आप लोग 5K ज़रूर करिए। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग 5K नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत ही दुख होता है। आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द 5K ज़रूर करिए। देखिए अच्छी खासी स्पीड अपनी गाड़ी पकड़ ली है। इस समय गिट्टी बिछाया जा रहा है। इस समय पहले देखा जाए एक लाइन से पृथ्वीगंज से दादूपुर, माँ बराही देवी तक स्लीपर बिछा रहे हैं। देखिए गिट्टी डाला जा रहा है। देखिए इस समय काम काफ़ी जोरों तोरों से हो रहा है। देखा जाए गौरा में भी माल गोदाम बन के तैयार हो गया है, हो रहा है। प्रतापगढ़ में भी माल गोदाम बन गया है और गौरा में भी माल गोदाम बनाया जा रहा है। आपको छोटे बड़े प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा सभी छोटे बड़े रेलवे स्टेशन। देखिए आप लोग ने अमेठी रेलवे स्टेशन नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, एक बार अमेठी रेलवे स्टेशन भी देखें, क्योंकि देखा जाए अमेठी रेलवे स्टेशन भी पुनः विकसित हो रहा है। देखिए माँ बराही देवी दादूपुर रेलवे स्टेशन तक देखिए खंभे भी लगाए जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, माँ बराही देवी धाम, दादूपुर रेलवे स्टेशन। आज भी इसे सब दादूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं और रानीगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। यहाँ पे पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको एक नंबर दिखाते हैं। इस समय धूप काफ़ी अधिक है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए धूप काफ़ी तेज़ है, आप लोग के लिए तब भी हम वीडियो बना रहे हैं।
आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और जल्द से जल्द 5K ज़रूर करिए। तो आप लोग कमेंट बताइए, हम जंघई से प्रयागराज डबल लाइन का वीडियो बनाए कि ना बनाए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग। देखिए एक नंबर प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहे, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे चढ़ते हैं और उतरते हैं माँ बराही देवी धाम दादूपुर रेलवे स्टेशन पे। देखिए अब हम लोग माँ बराही देवी धाम दादूपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए एक लाइन से गिट्टी डाल दिए हैं इस समय, देखिए गिट्टी एक लाइन से पूरा डाल दिए हैं। सिर्फ 60 kg के स्लीपर और गिट्टी ही बिछाना बाकी रहेगा। कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। खंभे के लिए देखिए पोल भी बना दिए हैं एक लाइन से। देखिए आप लोग का कमेंट था जंघई रेलवे स्टेशन वाले में कि आप लोग पर भैया एक बार प्रतापगढ़ से जंघई तक दोहरीकरण का वीडियो बनाइए, आपके कमेंट पे हम बना रहे हैं। इसमें आप लोग कमेंट में बताइए हम जंघई से प्रयागराज वीडियो बनाए कि ना बनाए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे छोटी पुलिया की भी तैयारी हो चुका है। देखा जाए माँ बराही देवी धाम से गौरा तक टोटल 3 अंडरग्राउंड पास बनाए गए हैं। अभी आगे से आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, आगे से दूसरी तरफ काम प्रारंभ हो गया है। देखिए नया अंडरग्राउंड पास बनाया गया है जो आप देख रहे हैं सामने। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जल्द से जल्द 5K करिए, फिर हम ट्रेन जर्नी वीडियो बनाना चालू करें। देखिए धूप काफ़ी ही अधिक है इस समय। आपको हम दूसरी तरफ दिखाते हैं, दूसरी तरफ मिट्टी डाला जा रहा है एक लाइन से। देखिए देखिए मिट्टी भी डाला जा रहा है, आगे गिट्टी भी बिछाया जा रहा है। देखिए देखिए सामने गिट्टी भी बिछाना चालू कर दिए हैं। देखा जाए नवंबर तक काम फाइनल हो जाएगा प्रतापगढ़ से जंघई तक, पहले जंघई से प्रयागराज फाइनल होगा काम। देखिए इस वक्त काम काफ़ी जोरों तोरों से हो रहा है। हम लोग गौरा रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं कुछ क्षणों में। इसमें धूप काफ़ी तेज़ है, आप लोग पूछिए ना कैसे ही वीडियो बना रहे हैं। आपको पूरा हम जंघई तक वीडियो दिखाने वाले हैं, छोटे बड़े रेलवे स्टेशन सभी आपको दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। आप लोग ने गौरा रेलवे स्टेशन और प्रतापगढ़ का माल गोदाम नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, दोनों आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए गौरा ओवरब्रिज के नीचे भी अंडरग्राउंड पास बनाने की तैयारी चल रहा है इस समय। देखिए हम लोग गौरा रेलवे स्टेशन कुछ ही क्षणों में अब पहुँचने ही वाले हैं। देखिए इधर डबल लाइन रहेगा जो आप देख रहे हैं, मिट्टी डाला जा रहा है एक लाइन से। देखिए सामने आपको दिखा रहे गौरा रेलवे स्टेशन दिख रहा है, ये माल गोदाम लास्ट में जो आप देख रहे हैं मिट्टी पड़ा हुआ, यहाँ पे माल गोदाम बनाया जा रहा है। देखिए इस समय काम काफ़ी जोरों तोरों से हो रहा है। गौरा रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं जूम करके। देखिए गौरा रेलवे स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। देखिए सामने पुल दिख रहा है आपको, जूम करके दिखा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म पे मिट्टी एक लाइन से बिछा दी। इसके बगल में माल गोदाम है, जस्ट ये सामने आप जो देख रहे हैं ट्रक खड़ा हुआ, इसके बगल में माल गोदाम यही है पूरा, यहाँ पे बनाया जा रहा है। हम भी सुन रहे हैं यहाँ पे माल गोदाम बनाया जा रहा है, आपको हम भी बता रहे हैं माल गोदाम बनाया जा रहा है। आपको एक नंबर दिखाते हैं अब। देखिए एक नंबर पर बिल्डिंग बन के तैयार हो चुका है, पेंटिंग का काम भी चल रहा है इस समय बिल्डिंग पे। देखिए सामने 60 kg के स्लीपर और गिट्टी रखे गए हैं, काम देखा जाए काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा नवंबर तक। देखिए आपको 2 नंबर दिखा रहे हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, हम सोचते हैं जल्द से जल्द आप लोग के लिए हम वीडियो बना ही दें। देखिए सामने समय कार हो रहा है, आपको 1 नंबर दिखा रहे हैं, इसे पेंटिंग का काम चल रहा है। देखिए सामने गौरा रेलवे स्टेशन पे पेंटिंग का काम चल रहा है इस समय बिल्डिंग पे, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे चढ़ते हैं और उतरते हैं गौरा रेलवे स्टेशन पे। हम लोग यहाँ से डिपार्चर ले लिए हैं, जैसे डिपार्चर लेते हैं देखिए एक लाइन से मिट्टी डाला जा रहा है और खंभे के लिए पोल भी बनाए जा रहे हैं। देखिए अब इसके बाद अपनी गाड़ी का स्टॉप सुवनसा रेलवे स्टेशन बादशाहपुर नीभापुर तब जंघई आएगा। देखिए एक लाइन से मिट्टी डाला जा रहा है। देखिए आप लोग इस समय धूप इसी तरफ है, इसीलिए बना रहे वीडियो, धूप काफ़ी तेज़ है। आप लोग कोशिश करें
घर से शाम और सुबह में ही निकलें क्योंकि धूप काफ़ी अधिक है इस समय। देखिए एक लाइन से मिट्टी भी बराबर कर रहे हैं। अभी आपको आगे दिखाते हैं, पुलिया जो है सुवनसस पहले वो भी अब काम प्रारंभ होने वाला है बहुत ही जल्दी। देखिए सुवनसस यहाँ पे देखें, काफ़ी यहाँ पे पहले गड्ढे हैं, यहाँ पे तालाब था। देखिए यहाँ पे भी मिट्टी डालने का काम प्रारंभ हो गया है। देखिए आप लोग, यहाँ पे पहले मिट्टी नहीं पड़ रहा था, अब यहाँ पे भी मिट्टी पड़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। देखिए आगे पुलिया भी पड़ने वाला है, सुवनसस से पहले जो पुलिया पड़ता है ये देखिए सामने पुलिया भी पड़ने वाला है कुछ ही देर में। देखिए एक अंडरग्राउंड पास ये भी है, सामने देखिए पुलिया पड़ गया है। इसमें पुलिये में पानी नहीं है, अब धीरे धीरे काम प्रारंभ होगा। इस समय देखिए एक लाइन से मिट्टी डाला जा रहा है, जेसीबी की मदद से बराबर किया भी जा रहा है। देखिए अब हम लोग सुवनसा रेलवे स्टेशन आपसे मुलाकात करते हैं। देखिए जेसीबी की मदद से मिट्टी को बराबर किया जा रहा है। सीधे आपको हम सुवनसा रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। देखिए हम लोग सुवनसा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। टोटल यहाँ पे दो प्लेटफार्म का निर्माण किया गया, यहाँ पे पुल भी बनाया जा रहा है। देखिए इधर दो नंबर प्लेटफार्म का निर्माण किया जा रहा है, आपको हम एक नंबर दिखाते हैं। अब देखिए एक नंबर की बिल्डिंग बन गया है, अभी पेंटिंग कोई भी कार्य नहीं हो रहा, बिल्डिंग बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे सामने देखिए पुल का भी निर्माण किया जाएगा। देखिए अपनी गाड़ी यहाँ से डिपार्चर ले लिया है, आपको लास्ट में दिखा रहे दो नंबर प्लेटफार्म लास्ट तक किया जा रहा है, काफ़ी लंबा बनाया जा रहा है दो नंबर। अब आपको हम एक नंबर भी दिखाते हैं। देखिए एक नंबर से हम लोग आपको दिखा रहे हैं, एक नंबर यहाँ पे सिग्नल तक किया जा रहा है। देखिए एक नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सिग्नल तक किया जाएगा एक नंबर प्लेटफार्म। जैसे हम लोग सुवनसा रेलवे स्टेशन डिपार्चर लेते हैं, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे काम प्रारंभ हो गया है। देखिए सूरजमुखी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, धूप की वजह से मुरझाया हुआ है बेचारे, क्या करें धूप काफ़ी ही तेज है इस समय। देखिए अब हम लोग बादशाहपुर रेलवे स्टेशन कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं सुवनसा रेलवे स्टेशन के बाद। देखिए यहाँ पे पुलिया आधा बन के तैयार हो चुका है, मैक्सिमम देखा जाए 75% पुलिया का काम हो चुका है। हम लोग बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गए, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, और यहाँ पे बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य चल रहा है इस समय। देखिए बादशाहपुर रेलवे स्टेशन का कोड BSE है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों का स्टॉप है और काफ़ी यहाँ से पब्लिक चढ़ते हैं और उतरते हैं। अब यहाँ से हम लोग डिपार्चर लेते हैं, सीधे आपको नीवापुर रेलवे स्टेशन के आउटर में मिल रहे हैं। देखिए नीवापुर रेलवे स्टेशन के पहले देखिए मिट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए मिट्टी डाला जा रही है इस समय काफ़ी तेज़ी से। आपको हम पीछे अब ट्रेन के आ गए हैं, आपको हम पीछे से दिखा रहे हैं। देखिए अपनी गाड़ी बादशाहपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी देर रोका गया, इसीलिए हम आपको अब पीछे मुलाकात करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है इस समय। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है नीवापुर रेलवे स्टेशन पर। हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिए हैं। देखिए हम लोग नीवापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। नीवापुर रेलवे स्टेशन के बाद अपनी गाड़ी के स्टॉप जंगही रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन को JNH है। देखिए यहाँ पे कुछ पब्लिक चढ़ते हैं उतरते हैं, यहाँ पे दो प्लेटफार्म का निर्माण किया जाएगा, सामने पुल का भी निर्माण किया जाएगा। देखिए जहाँ तक पुल आप देख रहे हैं यहाँ पे दो नंबर प्लेटफार्म बनाया जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डिपार्चर ले रहे हैं नीवापुर रेलवे स्टेशन से, थोड़ा वीडियो को फास्ट किए हैं, वीडियो को और कहीं भी नहीं फास्ट किए हैं, सिर्फ हम नीवापुर रेलवे स्टेशन पे ही फास्ट किए हैं, आपको बता दे रहे हैं। आप लोग सोचेंगे भैया हर वीडियो में फास्ट किए हैं, सिर्फ नीवापुर रेलवे स्टेशन पे ही फास्ट किए हैं। जहाँ पर हम फास्ट करते हैं आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर हम फास्ट किए हैं वीडियो को। यहाँ पर भी जहाँ तक आपने पुल देखा रखा गया वहाँ तक दो प्लेटफार्म का निर्माण किया जाएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ से डिपार्चर लेते हैं, जैसे डिपार्चर लिए हैं देखिए यहाँ पे मिट्टी पड़ने का काम प्रारंभ हो गया है, मिट्टी डाला जा रही है इस समय धीरे धीरे। देखिए नीवापुर रेलवे स्टेशन ये बिल्डिंग तोड़ा जाएगा, यहाँ पे मिट्टी पड़ रहा है इस समय।
आप लोग कमेंट में हमें एक बार ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। इस वीडियो में हम आपसे कहते हैं जल्द से जल्द आप लोग 5K जरूर करिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग 5K जरूर करिए। देखिए हम लोग जंघई रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। देखिए जो आप लाइन देख रहे हैं प्रतापगढ़ की लाइन है, ये आने वाले समय में हमें लगता है 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ट्रेनें दिए जाएंगे प्रतापगढ़ रूट से, और बनारस रूट से आने वाली कुछ ही ट्रेनें रहेंगे जो 2 नंबर और 3 नंबर पर दिए जाएंगे। ये सामने जो आप रूट देख रहे हैं जंघई से प्रयागराज डबल लाइन का काम इस समय काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पे दौड़ेगी ट्रेन, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ से जंघई तक। आप लोग कमेंट बताइए हम जंघई से प्रयागराज डबल लाइन का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए हम लोग जंघई रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। देखिए वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जंघई जंक्शन एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि फाफा माऊ की लाइन और बनारस की लाइन जौनपुर की लाइन अलग होता है, इसीलिए जंघई जंक्शन एक जंक्शन पॉइंट कहा जाता है, जिसका स्टेशन कोड JNH है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द से जल्द 5K जरूर करिए।